नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीएन पिंडा। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। जी हां, उनकी मौत की जो पहली पुण्यतिथि है वो भी आने वाली है। 14 जून 2020 को इस अभिनेता की मृत्यु हो गई थी और जिसकी जांच अभी सीबीआई लगातार कर रही है। इस मामले से जुड़ा एक ड्रग्स केस भी जो है एनसीबी लगातार जांच कर रही है, जिसमें कई लोग जैसे सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, उनकी कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभित चक्रवर्ती के ऊपर मामले दर्ज हैं। हालांकि रिया चक्रवर्ती और शोभित चक्रवर्ती इस वक्त बाहर हैं जमानत पर, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी गिरफ्तार हैं और भी कई लोगों से पूछताछ जारी है। अगर आप ट्विटर यूज करते होंगे तो आप देख सकते होंगे कि जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है तब से कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता होगा जब सुशांत सिंह राजपूत कि जस्टिस के लिए कोई हैशटैग ट्रेंड नहीं करता होगा। जी हाँ, चाहे वो हैशटैग जस्टिस फॉर एसएसआर हो या हैशटैग जस्टिस फॉर सुशांत हो या हैशटैग सीबीआई फॉर एसएसआर हो, तो ऐसी तमाम जो हैशटैग्स हैं ये हमेशा ट्रेंड करते रहते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ट्विटर पर। और ट्विटर ही नहीं, कई अलग अलग जगहों पर सभाएं भी जारी की जा रही है। जैसे बिहार के पटना में पहली पुण्यतिथि को लेकर सुशांत सिंह राजपूत के रक्तदान का आयोजन किया गया था और ऐसी जो सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं वो लगातार एक उम्मीद की किरण अभी भी देख रहे हैं। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और उनका एक ही कहना है कि जो दोषी है उसको सजा मिले। सुशांत सिंह राजपूत कभी आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। अब ये वाकई देखना होगा कि आखिर सीबीआई आखिर किस फैसले पर आती है। हम भी चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को जरूर न्याय मिले। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। ये याचिका सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर बन रही फिल्मों की रिलीज को लेकर था। वो चाहते थे कि ये फिल्में ना बने, ये इन फिल्मों के रिलीज पर रोक लगे, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। जी हाँ, बता दें आपको कि जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया है और कृष्ण किशोर सिंह की ये याचिका अब पूरी तरह खारिज हो चुकी है, यानी जितनी फिल्में बन रही हैं उस पर कोई रोक नहीं लगेगा। जी हाँ, जस्टिस तन्याय एक फिल्म बन रही है जो रिलीज होने वाली है, इस पर खासकर रोक लगवाना चाहते थे कृष्ण किशोर सिंह। ये बताया जा रहा है कि ये जो फिल्म है ये पूरी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के जीवनी और उनके मौत के ऊपर बनाई जा रही है। इस पर भी अब रोक नहीं लगेगी, ये फिल्म रिलीज होगी। हालांकि फैंस क्या प्रतिक्रिया देते हैं ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। और इस पर हमने तैयार की है एक स्पेशल रिपोर्ट कि आखिर पूरा मामला क्या है सुशांत सिंह राजपूत की जीवनी पर बन रही फिल्में, इसमें कौन कौन सी फिल्में शामिल हैं और क्या लिखा है, क्या आरोप लगाया है कृष्ण किशोर सिंह जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं, देखिए हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस याचिका में किन फिल्मों की रिलीज पर रोक की मांग की गई थी। न्याय द जस्टिस, सुसाइड या मर्डर, स्टार वॉज लॉस्ट, शशांक जैसी फिल्मों का जिक्र किया गया था इस याचिका में। और साथ ही यह भी कहा गया था कि रिलीज होने वाली वेब सीरीज, प्ले, किताबें और फिल्में सुशांत और उनके परिवार की छवि को धूमिल कर सकती है। सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने यह भी कहा कि इन फिल्मों को बनाने वाली किसी भी फिल्म मेकर ने उनसे इजाजत नहीं ली। अपनी याचिका में सुशांत के पिता ने यह भी आरोप लगाया कि इनका मकसद सुशांत की छवि को खराब करना और उनकी मौत को लेकर जारी सीबीआई जांच में खलल डालना है। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी से मौत हो गई थी। उनकी मौत को लेकर परिवार ने गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाए थे। मामले में काफी विवाद होने के बाद सीबीआई ने जांच शुरू की थी। सुशांत की मौत से जुड़े एक ड्रग्स मामले की जांच एनसीबी भी कर रही है। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई को गिरफ्तार भी किया था। दोनों अब जमानत पर बाहर हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने यह भी आरोप लगाया है कि ये सुशांत सिंह राजपूत के सीबीआई जांच में खलल डालना चाहते हैं जो बाकी के फिल्म मेकर्स हैं, और सुशांत सिंह राजपूत की छवि को भी खराब करना चाहते हैं, इससे उनके परिवार की छवि भी धूमिल होती दिख रही है। तो हम भी चाहते हैं सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, जस्टिस मिले, और जस्टिस की इस लड़ाई में डीएनपी इंडिया हमेशा साथ है, क्योंकि डीएनपी इंडिया का काम ही है न्याय दिलवाना और सही सटीक निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सही सटीक निष्पक्ष खबरें सबसे तेज आप तक पहुंचती रहें। और डीएनपी इंडिया सुशांत सिंह राजपूत जो दिवंगत अभिनेता हैं भारत के, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। धन्यवाद, देखते रहिए डीएनपी इंडिया।